लैटर करते हैं तो एक तो हमारा जो पेपर है वो प्रॉपरली सामने हो और उससे हमारा जो एंगल 90 डिग्री का हो। पेपर अगर एंगुलर होता है तो हमें इतनी परेशानी होगी। और चारकोल पेंसिल गहरी होती है तो ये ड्रॉइंग करने में आसानी हो जाती है। दूसरा बात है पेंसिल को मॉडल सामने हो, ठीक है, एक बार तुम दूसरी भी देख सकते हैं क्या लगे। उसके बाद सबसे पहले हम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन का मतलब सिंगल लाइन में पूरे फिगर को डिफाइन करना हो, ठीक है, तो इस फिगर का लाइन ऑफ एक्शन अगर देखेंगे तो ये ऐसे कुछ एच शेप देखा पड़ेगा। कैसा बनेगा तो इसमें सबसे पहले क्या करना है सो लाइन ऑफ एक्शन में हम डिवाइड करते हैं लेफ्ट वाले से ये आपका और इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम इसको एक बेसिक शेप प्रपोर्शन को लेते हुए बेसिक शेप ले सकते हैं ना। ये करने से फायदा क्या होता है इसको हम बेसिक शेप से फायदा ये होता है कि हमारा पेपर का प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है। अदरवाइज अगर ये चीज़ आप नहीं करते हो तो क्या होगा कि डिटेल ऐड करोगे तो बना शुरू किया तो देखो पैर बाहर निकलेगा, हाथ बाहर निकलेगा, आगे से प्रॉपरली तो कंपोज है। पूरे फिगर को एक साथ ऑब्जर्व करिए लेयर बाई लेयर, सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन, उसके बाद में ये एल्बो लाइन्स हो गई, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आ रहे हैं आपके नीस लाइन क्वालिटी का प्रॉब्लम बहुत होती है क्योंकि हमें क्लोज ऑफ व्यू में समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं ना, तो दूर से देखना बहुत जरूरी होता है। दूर से देखिए, दूर से क्या होता है कि हमारा ड्रॉइंग थंबनेल टाइप का दिखाई देगा ना। अब जैसे इसको पोजीशन को और रिफाइन कर हम कुर्सी का थोड़ा ड्राइंग कर देते हैं। अब इसमें लेयर वाइज ड्राइंग करेंगे, करेक्ट करते जाएंगे जहाँ भी गलती है। जैसे हमें हाथ तक पोजिशन यहाँ पर महसूस अभी हो रही है तो इसको इरेजर यूज ना करके हम हल्की लाइन्स में ड्राइंग करेंगे ताकि हमारा करेक्शन होता जाए ना।
जहाँ भी गलतियाँ वो करेक्ट होती है। ड्राइंग होता है कि आप नॉलेज है आपकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस को फॉलो करता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आपको होगी ना तो नॉलेज क्या है आपकी कॉम्प्लीट हो जाएगी, अदरवाइज नॉलेज कॉम्प्लीट हो जाएगी। और बिना नॉलेज के क्या होता है तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस फुकरी हो जाती है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस तो है लेकिन जानकारी नहीं है तो क्या होगा ना कि आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं आगे बढ़ पाओगे। करोगे तो ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आपको प्रैक्टिस करोगे आपको वो कभी ड्राइंग का इंप्रूव होगा अचानक से, बल्कि मेरा प्रैक्टिस छूट गया तो मेरा ड्राइंग उतना और हो गया। हम सब में सेम क्षमता ही है, ऐसा नहीं है कि किसी के कम ज्यादा हो, जिस चीज पे ज्यादा टाइम दे देता हूँ ज्यादा ध्यान देता हूँ डेवलप हो जाता है सिंपल। हाँ वो अपना एवरेज बनाइए अपना और कर सकता है वो उसके लिए कॉपी करना बहुत
तो जो करेक्ट लाइन्स हैं वो रिपीट होगी, अपने डार्क हो जाएगी, डार्क निकलना है थोड़ी ट्राई करते जाइए, तो करेक्ट लाइन्स हैं वो रिपीट होगी और अपने आप ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। जाओ बदलो पे ज्यादा डेंसिटी को डेंसिटी कर दो लाइंस का, ठीक है।